हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। आगे देखिए, फंक्शंस ऑफ फैट फैट की अपन बात करते हैं। फैट्स क्या, अगर फंक्शंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहला है कि हमें एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, फैट्स आर आ कॉन्स्टिट्यूएंट, फैट्स आर अ कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये हमारी एनर्जी का कंसनट्रेटेड सोर्स है। 1 ग्राम ऑफ फैट्स गिव्स 9 किलो कैलोरी वेन इट इज़ ऑक्सीडाइज इन द बॉडी, यानी कि जब ये ऑक्सीडाइज हमारी बॉडी के अंदर होता है तो हमें 9 किलो कैलोरी के आसपास एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है। वहीं कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं तो 4.5 या फिर 4 किलो कैलोरी हमें मिलती है, तो उससे लगभग दुगना कैलोरी हमें ये प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो हमें बहुत लेट मिलती है, यानी इसको जो डाइजेस्ट होने में, मेटाबॉलिज्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट दोज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन कैन यूटिलाइज फैट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ब्रेन है, इन दो को छोड़ दिया जाए, बाकी के सारे टिश्यू हमारे जो एनर्जी है उसको फैट से कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा ब्रेन है ये फैट से एनर्जी हमारा कंज्यूम नहीं कर सकता है। इसके लिए एनर्जी का सोर्स हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट ही रहने वाला है। ठीक है, फैट्स आर डिपॉजिटेड इन द एडिपोज टिश्यू एंड दिस डिपॉजिट सर्व एज अ रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग स्टारवेशन, यानी कि जो हमने फैट्स कंज्यूम किया, अब एक्सेस अमाउंट में हमने फैट्स को यदि कंज्यूम कर लिया तो क्या होगा, हमारी बॉडी उसको डिपॉजिट कर लेगी, बॉडी और एडिपोज टिश्यू के अंदर जाकर उसको डिपॉजिट कर लिया जाएगा। अब जैसे मान के चलिए हमें कई बार स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, भुखमरी की प्रॉब्लम हमारे सामने देखने को मिलती है, हमें कई दिन से खाना नहीं मिला। ठीक है, या फिर जितना बॉडी को एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी हम बाहर से दे नहीं रहे, तो फिर क्या होगा, वो जो एडिपोज टिश्यू के अंदर जो फैट डिपॉजिट है उस डिपॉजिट को दोबारा से एनर्जी के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, देन हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो एक तरीके से रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, थर्मल इंसुलेशन, सबक्यूटेनियस फैट एक्ट एज एन इंसुलेटर अगेंस्ट कोस्ट बाई रिटेनिंग कोल्ड बाई रिटेनिंग बॉडी हीट। अगला देखिए, थर्मल इंसुलेशन, यानी कि हमें एक तरीके से गर्मी प्रदान करता है। किस तरीके से, देखिए, सबक्यूटेनियस फैट एक्ट एज एन इंसुलेटर अगेंस्ट कोल्ड बाई रिटेनिंग बॉडी हीट। जो सबक्यूटेनियस फैट है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी स्किन है उसके नीचे सबक्यूटेनियस फैट जमा होता है, वो इंसुलेटर की तरह कार्य करता है हमारी बॉडी। जब हमें सर्दी लगती है तो आपने देखा हो, जो मोटे लोग होते हैं उनको थोड़ी कम सर्दी लगती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो फैट है वो जमा हुआ है, तो वो एक तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर हीट बन रही है उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। ठीक है, तो बॉडी हीट को हमारे रिटेन करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये दो पॉइंट हमारे हो गए। अगले देखिए, प्रोटीन स्पारिंग एक्शन, यानी इन एडिक्वेट इनटेक ऑफ फैट इन द डाइट अलाउ प्रोटीन्स टू परफॉर्म देयर मेन फंक्शंस ऑफ ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, यानी कि यदि हम एक प्रॉपर डाइट यदि ले रहे हैं और डाइट के अंदर फैट भी ऐड करेंगे तो जो प्रोटीन है वो भी आसानी से परफॉर्म कर पाएगी, अच्छा अपना परफॉर्मेंस शो कर पाएगी। कई बार आपने देखा होगा फैट लॉस पे जो बंदे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फैट को बिल्कुल कट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर देते हैं, सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन पर रहते हैं, तो उनका जो फैट लॉस होना चाहिए उतना अच्छे तरीके से फैट लॉस जो है वो नहीं हो पाता। ठीक है, इन दिस वे फैट्स स्पेयर प्रोटीन्स फ्रॉम बींग ऑक्सीडाइज फॉर एनर्जी, यानी जो फैट है वो प्रोटीन हेल्प करती है फैट से एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, ये हो गया। अगला देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, फैट प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव पैडिंग टू वाइटल ऑर्गन सच एज हार्ट, किडनी एंड इंटेस्टाइन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड कीप देम इन प्लेस, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो फैट जमा हुआ है वो जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, जैसे हमारा हार्ट हो गया वो सॉफ्ट है, किडनी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इंटेस्टाइन है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ऑर्गन है, तो इनकी जो मैकेनिकल शॉक लगता है, यानी कोई किसी ने यदि हमें मुक्का मारा, ठीक है, तो यदि फैट हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा तो सीधा जाके हार्ट पे लगेगा, देन हार्ट की मसल्स हैं वो रप्चर हो सकती है, तो प्रॉब्लम हमें हो सकती है। लेकिन यदि फैट थोड़ा बहुत हमारी बॉडी के अंदर है तो ये जो मैकेनिकल शॉक लगते हैं उनको एब्जॉर्ब करके हमारी जो वाइटल ऑर्गन है उनके प्रोटेक्शन कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन, ठीक है, फैट आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन ए डी ई के, ये जो फैट सोल्युबल विटामिन है इनके लिए फैट हमें जरूरी है, यदि हम फैट ही कंज्यूम नहीं करेंगे तो ये विटामिन हमारी बॉडी के अंदर जो है नहीं जा पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, देन हमें इनकी जो डेफिशिएंसी है वो देखने के मिलेगी। स्पेशली कैरेटिनॉइड्स प्रेजेंट इन फूड ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन, यानी जो वेजिटेबल से होती हैं उनके अंदर कैरेटिनॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कैरेटिनॉइड्स क्या करते हैं, एक व्हीकल की तरह काम करते हैं जो हमारी फैट सोल्युबल विटामिन होती हैं उनके लिए, यानी जैसे ए डी ई के विटामिन हैं ये डायरेक्ट नहीं जा सकती फैट के अंदर, तो इनको कैरेटिनॉइड्स होते हैं वो ले जाते हैं, एक व्हीकल की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, अगला देखिए, एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड का क्या काम है, फैट कंटेन एसेंशियल फैटी एसिड्स, जैसे आपके लिनोलिक एसिड हो गया, आपका लिनोलिनिक एसिड हो गया, अर्किडोनिक एसिड हो गया, विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग टिश्यू इन नॉर्मल हेल्थ, यानी ये हमारी नॉर्मल हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं टिश्यू के लिए। ठीक है, अगले देखिए, सेटाइटी वैल्यू, फैट इम्प्रूव द पेटेबिलिटी ऑफ द डाइट एंड गिव सेटाइटी वैल्यू फीलिंग ऑफ फुलनेस इन स्टोमिक, यानी कि
ये क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी में फुलनेस एक हमें शो कराता है हमारी बॉडी के लिए कि अब हमें पेट में जगह नहीं है, आप एक तरफ फैट वाली चीज़ें खाइए और एक कप कार्बोहाइड्रेट खाइए। तो जिनकी जो कार्बोहाइड्रेट होती है उनकी जो जीआई कम होती है, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होती है, वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, देन हमारी ब्लड के अंदर एनर्जी को भेज देते हैं और एनर्जी हमारी खर्च हो जाती है। लेकिन जो फैट्स होते हैं ये इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते, तो ये हमें फुलनेस का स्टमक जो है हमारा भरा हुआ इस तरीके से फील कराते हैं। ठीक है, आगे देखिए सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, यानी हार्मोन के संश्लेषण में भी हेल्प करते हैं किस तरीके से। द कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस सम स्टेरॉइड हार्मोन एंड बाइल एसिड, एग्जाम्पल सेक्स हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन है उनके लिए जो कोलेस्ट्रॉल है वो नेसेसरी होता है उनके सिंथेसिस के लिए।